हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी का एक और नया टॉपिक, दैट इज पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। तो हम समझेंगे कि पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि वो कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं पॉलीहैलोजन कंपाउंड। तो बहुत ही सिंपल है, क्या है इसमें, वो कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, हैलोजन, जिनमें एक से ज़्यादा हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी डेफिनेशन नोट करा दूँ, देन मैं इसको आपके एग्जांपल्स बताऊंगी, देन मैं आपको बताऊंगी डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं एंड ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेफिनेशन, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड has more than one halogen atom are known as polyhalogen compounds। देखिए पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक से ज़्यादा हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं पॉलीहैलोजन कंपाउंड। यानी कि पॉली का मतलब है ज़्यादा, तो यहाँ पर पॉलीहैलोजन मतलब जो हैलोजन है वो ज़्यादा होंगे। हैलोजन क्या होते हैं भाई, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हैलोजन। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें पॉलीहैलोजन यानी एक से ज़्यादा हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोले जाएंगे, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल में हम देखें तो CH2Cl2, यहाँ आप देख सकते हैं दो क्लोरीन, दो Cl यहाँ पर जुड़े हैं, मतलब ये क्या है, पॉलीहैलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा हैलोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग आपको लगानी है डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। देखिए डाई का मतलब होता है टू, ठीक है, डाई का मतलब होता है टू। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो हैलोजन प्रेजेंट होंगे, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें दो हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे, सबसे पहले ये जो डाई हैलोजन होते हैं इनमें क्या रहता है, टू हैलोजन प्रेजेंट रहते हैं, यानी जो डाई हैलोजन होंगे उनमें कितने हैलोजन मिलेंगे आपको, टू हैलोजन एटम्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो होते हैं हमारे डाई हैलोजन, ये ना टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जर्मिनल डाई हैलाइड, और सेकेंड होते हैं विसिनल डाई हैलाइड। फर्स्ट होते हैं जर्मिनल डाइहैलाइड एंड सेकेंड होते हैं विसिनल डाइहैलाइड। बात करते हैं कि जर्मिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड ये दोनों होते कैसे हैं। तो देखिए, अगर हम जर्मिनल डाइहैलाइड की बात करें तो यहाँ पर जो दोनों हैलोजन एटम होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि डाई हैलोजन, डाई का मतलब होता है टू, तो यहाँ पर टू हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो जर्मिनल डाइहैलाइड कैसे है, डाइहैलाइड होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन अटैच होते हैं। जैसे कि एक कार्बन है हमारे पास ये, और दोनों हैलोजन यानी ये दोनों हैलोजन इसी एक कार्बन से अटैच हैं। तो इस तरीके के जो हमारे पास स्ट्रक्चर, यानी ऐसा स्ट्रक्चर अगर हमें देखने को मिलेगा कि एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन अटैच हैं, दो हैलोजन एक ही कार्बन से अटैच है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जर्मिनल डाइहैलाइड का स्ट्रक्चर है, यानी ये जर्मिनल डाइहैलाइड है। क्लियर? बात करें विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, तो विसिनल डाइहैलाइड में क्या होगा कि एक ही कार्बन से तो अटैच नहीं होंगे दोनों हैलोजन जो होंगे, लेकिन जो दोनों हैलोजन होंगे वो बिल्कुल जस्ट बराबर एडजेसेंट कार्बन पर अटैच होंगे, यानी बिल्कुल अगल बगल वाले जो कार्बन होते हैं उन पर दोनों हैलोजन अटैच होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कार्बन ये है मेरे पास, एक कार्बन ये है, ठीक है, तो एक हैलोजन मेरा ये गया, एक हैलोजन मेरा ये गया। तो इस तरीके से जब हमारे अटैच होंगे तो हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे कि ये विसिनल डाइहैलाइड। ये क्या है, ये विसिनल डाइहैलाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास जो हैलोजन जुड़े हैं वो दोनों अगल बगल वाले कार्बन से अटैच हैं, वो दोनों
एडजेकेंट कार्बन यानी बिल्कुल जो एक दूसरे के बराबर में है उनसे अटैच है, उनसे उनके पास अटैच है, तो इस वजह से इनको बोला जाएगा विसिनल डाइहेलाइड। और जैमिनल डाइहेलाइड में क्या होगा, एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच होंगे। क्लियर है? देखिए अब आप इसको नोट कीजिए, देन मैं आपको बताती हूँ कि ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, अब मैं आपको बताती हूँ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए ये टॉपिक ना सबसे ईजी लगता है क्योंकि कुछ नहीं, बस इसमें यह पता करना है कि कौन से में कितने हेलोजन होते हैं, और उसके अलावा हमें यह पता करना होता है कि जैमिनल में हेलोजन जो होते हैं वो एक ही कार्बन पर अटैच होते हैं दोनों, और विसिनल में वो दोनों एडजेकेंट यानी अगल बगल वाले कार्बन पे, आजू बाजू में जो कार्बन है उनसे जा करके अटैच होते हैं। थर्ड हम बात करते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स की, ठीक है? हेडिंग लगानी है आपको, सेकेंड हेडिंग लगानी है ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है? देखिए ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें थ्री हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, थ्री हेलोजन, यहाँ आपको थ्री हेलोजन मिलेंगे जो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। इनमें कितने हेलोजन मिलेंगे आपको, थ्री हेलोजन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं तो क्लियर होगा। जैसे कि इसके अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CH Cl3, इसके अलावा ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म CHBr3। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको हेलोजन देखने को मिल रहे हैं वो कितने हैं, तीन हेलोजन है, यानी यहाँ पर थ्री हेलोजन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके के जब हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव से, क्योंकि ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव से कि ट्राई का मतलब होता है थ्री, तो ट्राई हेलोजन जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है थ्री हेलोजन प्रेजेंट होंगे। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, ब्रोमोफॉर्म CHBr3, आयरोफॉर्म भी होता है CHI3। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें तीन हेलोजन प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, जिनमें दो प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। और जो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें हमने पढ़ा कि जैमिनल डाइहेलाइड क्या होते हैं और विसिनल डाइहेलाइड क्या होते हैं, और हमने देखा कि पॉली हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो वो कंपाउंड्स जिनमें मोर देन वन हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।